हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और आईपीओ आ चुका है और ऐसा आईपीओ आ चुका है कि जिसका नाम और जिसके प्रोडक्ट्स हर किसी ने यूज किए हैं, और वो भी बचपन में। और बचपन में ही छोड़ो, अब भी आप उन प्रोडक्ट्स को यूज करते होंगे। नाम है कंपनी का सेलो वर्ल्ड लिमिटेड, यानी कि सेलो के पेंस तो हर कोई यूज करता ही है। और उसी के अलावा इस कंपनी का नाम ही काफी है, क्योंकि एक अच्छा खासा नाम बनाया हुआ है कंपनी ने। और एक ऐसा ब्रांड है जहां पर बच्चा बच्चा भी इस नाम से वाकिफ है। मोस्टली आजकल बच्चे भी दुकान पे जाएंगे तो कहेंगे कि हमें तो सेलो का ही पेन चाहिए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स, आज के दिन हम डिस्कस करेंगे इस कंपनी की फुल डिटेल, बेसिक से लेके एडवांस तक, जहां पर हम कंपनी का पूरा कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं, क्योंकि कहीं ये आईपीओ लूटने तो नहीं आ रहा है। और अगर लूटने आया तो क्यों लूटने आया, तो वहां पर हर चीज को हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम सीधा चलते हैं कंपनी पर। कंपनी का नाम होने वाला है सेलो वर्ल्ड इंडिया लिमिटेड। और अगर कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करूं तो 60 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस इस कंपनी को हो चुका है। काम में बात करें तो ये मेनली तीन कैटेगरीज में काम करती हैं, जिसमें से पहला आ जाता है राइटिंग इंस्ट्रूमेंट एंड स्टेशनरी, यानी कि हमारे पेंस वगैरह। सेकंड आ जाता है मोल्डेड फर्नीचर, यानी कि चेयर्स वगैरह आप लोगों ने सुनी होगी। थर्ड आ जाता है कंज्यूमर हाउसवेयर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जो भी हमारे घर में प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं, लाइक वाटर बॉटल हो गया या फिर कूलर्स वगैरह हो गए। इसके अलावा भी और सारे प्रोडक्ट्स जो आपने यूज किए हैं, आप लोगों ने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज किए हैं सेलो के, तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो इन्हीं तीन कामों में ये कंपनी डील करती है। अगर हम बात करते हैं कंपनी की, 13 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होने वाली हैं, जो 5 डिफरेंट लोकेशन में होने वाली है इंडिया में। और इसी के साथ साथ एक ये यूनिट इस्टेब्लिश करने वाली है, जहां पर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी, जो राजस्थान में इस्टेब्लिश की जाएगी, जहां पर यूरोपियन मेड मशीनरी को यूज किया जाएगा, ताकि इनकी प्रोडक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में काफी ज्यादा इंक्रीजमेंट हमें देखने को मिल जाए। और उसी के साथ साथ इनके पास एज ऑफ मार्च 31, 2023 में 15,841 के स्टॉक कीपिंग यूनिट्स होने वाले हैं ऑल प्रोडक्ट रेंज में। और उसी के साथ साथ इनकी नेशनल सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन टीम होने वाली है 683 मेंबर्स की। कंपनी की अगर हम कोर स्ट्रेंथ की बात करते हैं, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजिशन एंड ब्रांडिंग होने वाली है, क्योंकि बच्चा बच्चा भी इस नाम से वाकिफ है। और उसी के साथ साथ इनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट रेंज होने वाली है। और थर्ड, इनके पास एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होने वाला है, जहां पर इन्होंने अपने बिजनेस को स्केल अप किया है और उसी के साथ साथ प्रोडक्ट की कैटेगरीज को इंक्रीज किया है। फाइनल एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम होने वाली है विद डोमेन एक्सपर्टाइज। नाम तो ऑब्वियसली अच्छा है ही, लेकिन काम भी अच्छा है। और ऐसा काम है जहां पर हमें आने वाले टाइम में भी फिलहाल के टाइम कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिल रही है। इन शॉर्ट, अगर हम लिस्टिंग गेन के अलावा लॉन्ग टर्म में बात करते हैं, हालांकि मैं किसी भी आईपीओ को लॉन्ग टर्म में लेकर नहीं जाता हूं, ना ही इस आईपीओ को भी लेके जाऊंगा, क्योंकि वहां पर आईपीओ लिस्ट होने के बाद मैं प्योरली टेक्निकल बेसिस पर किसी भी स्टॉक्स में एंट्री बनाता हूं। अगर मैं लॉन्ग टर्म में बात करूं तो वहां पर सबसे बेस्ट आ जाता है म्यूचुअल फंड्स। और अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड्स में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, या कुछ भी क्वेरी हो, या आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा काम है जहां पर इसका लॉन्ग टर्म में भी काम में हमें दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। उसी के साथ साथ अब अगर हम कंपनी की कुछ डिटेल्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले इसके टेंटेटिव टाइम टेबल को देख लेते हैं। 30th October को जी आईपीओ ओपन होने वाला है, 1st November को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट मिलेगी 6th November से, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 7th November से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 8th November को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होगी 9th November की। उसी के साथ साथ कुछ अदर डिटेल्स की बात की जाए तो ₹5 पर शेयर का फेस वैल्यू रहने वाला है। प्राइस बैंड होगा 617 से 648 रुपीस का, हमें तो अप्लाई करना है कट ऑफ प्राइस, यानी कि 648 रुपीस। लोड साइज होगा 23 शेयर्स का। टोटल इश्यू साइज होने वाला है 1900 करोड़ का, जहां पर आकर सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है इस कंपनी के बारे में। एक अच्छे खासे साइज का ये आईपीओ आ रहा है, और वो भी आ रहा है पूरा का पूरा ओएफएल, यानी कि कंपनी के पास एक भी रुपया नहीं जाने वाला है। और यहां पर कंपनी एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफर फॉर सेल लेके आ चुकी है, यानी कि सारा का सारा रुपया लेके जा रहे हैं एग्जिस्टिंग ओनर्स अपना माल बेच के, जो हमारे पास इस कंपनी का सेकंड नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। पहला नेगेटिव पॉइंट कि आईपीओ का साइज अच्छा खासा है,
काम अच्छा है, नाम अच्छा है, लेकिन आईपीओ का साइज भी काफी ज्यादा गया और सेकंड नेगेटिव पॉइंट जो उससे ही बढ़ा जाता है कि इस कंपनी का पूरा ओएफएस होने वाला है, जहां पर कंपनी ने बिल्कुल भी फ्रेश इशू हमारे लिए नहीं रखा है। एम्प्लॉय को डिस्काउंट मिलेगा 61 रुपीज पर शेयर का, बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात कर लेते हैं, क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल कैटेगरी का 35% का और एचएनई कैटेगरी में 15% का। अगर हम आईपीओ के लोट साइज की बात करते तो रिटेल कैटेगरी में 23 शेयर्स का एक लोट होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,904 रुपीज की। स्मॉल एचएनई में 14 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहां पर अमाउंट पड़ेगी 2,08,656 रुपीज की। बिग एचएनई में 68 लोट्स के लिए, जहां पर अमाउंट हो जाएगी 10,13,472 रुपीज की। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो प्रदीप जीसुलाल राठौड़, पंकज जीसुलाल राठौड़ एंड गौरव प्रदीप राठौड़ कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले हैं। प्री इश्यू पूरा का पूरा इन्हीं के नाम पर है 100% का और पोस्ट इश्यू रह जाएगा 91.8% का, यानी कि आने वाले 3 सालों में हमें यहां पर कंपनी के ओएफएस भी देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे पर चलते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं, तो 31 मार्च 2020 में टोटल असेट्स थे 1146 करोड़ के, जो बढ़ते बढ़ते 31 मार्च 2023 में हो चुके थे 1551 करोड़ के। एक अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिल रही है। अगर हम 30 जून 2023 की बात करते तो 1686 करोड़ के जहां पर हमें टोटल असेट्स देखने को मिले हैं। रेवेन्यू की बात करते तो 1059 करोड़ से बढ़कर हो चुके थे 1813 करोड़, यहां पर भी अच्छी ग्रोइंग रेट थी। लेटेस्ट में देखते हैं क्वार्टर में तो 479 करोड़ के हमें देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 165 करोड़ से इंक्रीज होते होते हो चुका है 285 करोड़ का, अच्छी ग्रोइंग रेट है। अगर हम क्वार्टरली बात करते हैं 30 जून 2023 तक तो 82 करोड़ के प्रॉफिट हमें देखने को मिले हैं। नेटवर्थ की अगर हम बात करते हैं तो 30 जून 2023 में 1226 करोड़ की हमें देखने को मिल रही है। रिजर्व्स भी इनके पास अच्छा खासा है 784 करोड़ का। टोटल बोरिंग्स की बात करते तो 334 करोड़ से 335 करोड़ की देखने को मिली थी, मतलब स्टेबलाइज है, एक ईयर में बढ़ी लेकिन सेकंड ईयर में कम हो चुकी थी। अगर हम इस क्वार्टर में बात करते हैं 30 जून 2023 में तो 328 करोड़ की होने वाली है। इतनी ज्यादा हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि कंपनी के पास इतना कैश अवेलेबल है कि ये एक मिनट में अपना पूरा का पूरा बोरिंग जीरो कर सकती है। मतलब कि अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो वहां पर A1 क्लास के हमें फाइनेंशियल्स देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का ऑब्जेक्टिव तो ऑब्वियसली हमारे पास कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि पूरा का पूरा ये था ओएफएस। अब अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो पीई रेशियो 49 की है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 13,752 करोड़ की हमें देखने को मिल रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी 134% की, काफी जबरदस्त हमें यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 44.48%, ये भी काफी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्क 23.17%, ये भी काफी अच्छा है। ईपीएस 13.65 अच्छा है, हल्का सा कम है लेकिन इट्स ओके। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें कंपनी के फंडामेंटल में भी दिक्कत देखने को नहीं मिली है, मतलब कि कंपनी का और कोई भी हमें नेगेटिव पॉइंट अभी तक देखने को नहीं मिला है। अब अगर हम कंपनी की मेन बात करते हैं वैल्यूएशन की, आईपीओ कैसा आ रहा है, तो यहाँ पर हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन में भी जाकर देखते हैं। देखो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है क्योंकि ये एक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में काम करती है, क्योंकि जहां पर कोई और कंपनी इतनी वैरायटीज में काम नहीं करती है तो इसलिए ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। बट हाँ, फिर भी बोरोसिल लिमिटेड 57 का पी हमें देखने को मिल रहा है, कोकोए कैमली लिमिटेड 63.91 का, ला ओपाला 40.26 का, स्टोवक्राफ्ट 48.6 का, टीटी के प्रेस्टाइज 42.47 का, लिंक 25.87 का और हॉकिंस कुकर्स का अगर हम बात करते हैं 37.38 का। अगर हम वैल्यूएशन वाइज भी बात करते हैं तो कंपनी का ये आईपीओ सस्ता नहीं आ रहा है, मतलब कि कंपनी ने एक अच्छा खासा डिमांड करी है बट हाँ इतना ज्यादा महंगा भी नहीं आ रहा है कि हमें जहां पर बिल्कुल भी स्कोप ना छोड़ा। तो अगर मार्केट का मूड माहौल ठीक रहता है तो हमें -5% से +10-15% का यहाँ पर रेंज निकल कर आ जाती है। और उसी के साथ साथ अगर हम जीएमपी की बात करते तो आज के टाइम पे इस कंपनी का जीएमपी चल रहा है 18% का, जो कि काफी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कि अगर हम कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स में मेनली बात कर लेते हैं, एक अच्छा खासा आईपीओ का साइज है और पूरा का पूरा ओएफएस है और साथ ही साथ वैल्यूएशन वाइज भी हल्का सा ये महंगा आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें अपने पर्सनल फाइनल डिसीजन की बात करूं तो एक ऐसा आईपीओ है जहां पर मैं
रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन बीइंग एन अग्रेसिव होकर अगर मैं ऑन द फेस ऑफ टुडे बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मार्केट का मूड मोर सुधरता है तो वहां पर मैं इसे इजीली डिफेंसिव होकर भी अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन मार्केट का मूड मोर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन जो भी इसमें मेरा पर्सनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर या फिर हमारे डेली के शो मार्केट का पैच और ब्रेकअप में अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन ये मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला है, आप लोगों का जो भी डिसीजन हो एक बार अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को मैनेज करते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई डिसीजन बनाइएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी और काफी ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर डाउट्स भी क्लियर हो चुके होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।